हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुभारती यूनिवर्सिटी के लॉगिन के बारे में, कैसे लॉगिन करना है शुभारती यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन के छात्र हैं तो आपका लॉगिन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्रोम को ओपन करेंगे और आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट टाइप करेंगे shubharti.com। ध्यान दीजिएगा, शुभारती यूनिवर्सिटी में दो तरह का कोर्स होता है, रेगुलर जो वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं बच्चे, एक होता है डिस्टेंस जो घर बैठे पढ़ाई करते हैं। तो डिस्टेंस वाले की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो वेबसाइट है वो है शुभारती डीडी, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन को इसको हम खोलेंगे और खोलने के बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। देखिए ये कुछ पिक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। पिक्स दिखने के बाद आप सबसे नीचे जाओगे यहाँ पे वेबसाइट में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सब कुछ, डिटेल्स दिखेगा यूनिवर्सिटी डिटेल डिस्टेंस एजुकेशन का, ठीक है। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसी, सिलेबस आपको दिखेगा, एकेडमिक कैलेंडर दिखेगा, एडमिशन प्रोसीजर दिखेगा, ठीक है, और DDE के बारे में दिखेगा, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन है, ठीक है, रिजल्ट यहाँ का ऑप्शन है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट का ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, हम इनको पहले लॉग आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, फिर हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आप देखो, आपको अपना आईडी कार्ड का डिटेल्स चाहिए होगा। आईडी कार्ड जो आपको ये मिलता है, इसमें आपके ये इनरोलमेंट नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें आपका DO भी रहता है, इसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ठीक है। तो हम इनरोलमेंट नंबर इनका पुट करेंगे, ठीक है, AR 220-216-04, ठीक है। इसमें हम पुट करेंगे AR 220-216-04, ये आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया। उसके बाद पासवर्ड के रूप में आप अपना डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर, जनरली हम मोबाइल नंबर पुट करते हैं, ठीक है, हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। ये हमने पुट किया, ठीक है। यहाँ रिमेंबर मी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगली बार आप जब वेबसाइट खोलोगे और यहाँ यूजर नेम पे क्लिक करोगे तो सीधे ये दोनों डिटेल्स फिट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे साइन इन पर यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है। ओ थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है, इसको हम सही करते हैं। AR 220-216-04 पासवर्ड को हम ठीक से डालेंगे, एक सेकेंड आप वेट करेंगे, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैंने एक बार पासवर्ड डाला है, फिर से मैं साइन इन कर रहा हूँ, कुछ इरर आ रहा है यहाँ पर। AR 220-216-04, इसको हम पासवर्ड को ठीक से डालते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अभी हमने सही से डाला है पासवर्ड, अब खुल जाना चाहिए, देखिए सक्सेस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या डिटेल्स मिलेंगे, आपके यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखा है, रोल नंबर बाद में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजा गया था शुरू में, ठीक है। सपोर्ट में आपको यहाँ क्या दिखेगा, ठीक है, एडमिशन एग्जामिनेशन, ठीक है, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशन, ओरिजिनल डिग्री, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, अपना डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप एसएस में देखिए, एडमिट कार्ड, असेसमेंट रिजल्ट आपको दिखेगा। LMS में क्या दिखेगा आपको, असाइनमेंट दिखेगा, ठीक है। डॉक्स में आपकी आईडी कार्ड, आपकी मार्कशीट आपकी दिखेगी, ठीक है। जनरल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। LMS में जाते हैं, असाइनमेंट यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट दिया हुआ है,
तो असाइनमेंट को हम अपलोड करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिए डाउनलोड असाइनमेंट करेंगे तो एक पेपर खुलेगा, उसको लिख के और अपलोड असाइनमेंट में जाके कैमरा से फ़ोटो लेकर हम अपलोड कर देंगे। तो अभी तो लॉगिन करना है आपको, असाइनमेंट लिखना है, अपलोड करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा वो डाउनलोड करना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे उसका मैं अलग से प्रोसेस बताऊँगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको दिख जाए।